दोस्तों, बॉडी बिल्डिंग को हमेशा से ही मर्दों का गहना माना जाता है, क्योंकि आज जिस किसी के पास भी एक अच्छा और गठिला बॉडी है, उसे हमारे समाज के लोग काफी चुस्त और तंदुरुस्त मानते हैं और उन्हें काफी रिस्पेक्ट भी मिलता है। लेकिन अगर किसी का वजन सामान्य इंसानों से थोड़ा सा कम या ज्यादा हो तो उन्हें लोग मन ही मन अपने से ज्यादा आलस और कमजोर मान लेते हैं। और ये मेंटालिटी सिर्फ मर्दों में ही नहीं बल्कि औरतों में भी पाया जाता है। लेकिन आज बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में मर्दों के साथ साथ औरतें भी अपना नाम चमका रही है। और आज मैं आपको इस वीडियो के द्वारा भारत के कुछ सबसे ताकतवर महिला बॉडी बिल्डर से मिलवाने जा रहा हूँ, जिन्होंने अपनी मेहनत और कड़ी ट्रेनिंग के दम से आज अपना ये बॉडी हासिल किया है। इनके जैसा बॉडी पाना आज हर किसी का सपना बन चुका है। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। रेविता देवी, दोस्तों 23 साल की ये फीमेल बॉडी बिल्डर मणिपुर के रहने वाली है, जो इतने कम उम्र होने के बावजूद बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में अपना एक अलग पहचान बनाने में कामयाब हुई है। इन्होंने अब तक 2 इंटरनेशनल मेडल जीता है, जिनमें से एक बॉडी बिल्डिंग का है और दूसरा है उसू का, जो एक मार्शल आर्ट फॉर्म है। रेविता देवी बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में आने से पहले एक उसू फाइटर भी रह चुके हैं, लेकिन बाद में बॉडी बिल्डिंग में इंटरेस्ट होने के कारण वो एक बॉडी बिल्डर बन गई। इन्होंने हाल ही में होने वाली द वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग एंड फिजिक स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में हिस्सा लिया था। ममता देवी यमनाम, दोस्तों ममता देवी भी मणिपुर के ही रहने वाली है। इन्होंने अपना बॉडी बिल्डिंग की शुरुआत शादी के बाद 2011 में अपने पति वरुण यमनाम के साथ की थी, जो पहले से ही एक बॉडी बिल्डर था। अपने पति की सपोर्ट की वजह से ममता ने कुछ ही महीनों में एक शानदार बॉडी हासिल की और इंडिया का पहला इंटरनेशनल मेडल जीतने वाली महिला बॉडी बिल्डर बनी, जिन्होंने उज्बेकिस्तान में होने वाली 46th एशिया मैन एंड वुमेन चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और कमाल का बात तो यह है कि यह जोड़ा भी एक पहला जोड़ा था जिसमें पति पत्नी दोनों ही बॉडी बिल्डर है। दीपिका चौधरी, दीपिका भारत की पहली IFBB प्रो बॉडी बिल्डर, एक फिगर एथलीट और पावर लिफ्टर होने के साथ साथ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में एक मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट भी है। दीपिका आज लगभग 35 साल की है और वो अब तक 5 बार IFBB यानी इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप जीत चुके हैं। दीपिका अपने स्कूल के वक्त से ही काफ़ी दुबली पतली थी, लेकिन स्पोर्ट्स में हमेशा से ही उसकी रुचि थी। फिर जब 2011 में वो फिटनेस के लिए जिम ज्वाइन किया, उसके बाद वो बॉडी बिल्डिंग की तरफ अपना इंटरेस्ट बढ़ाने लगी और आज हर महिला के लिए दीपिका एक एग्जाम्पल है। इसके बाद 2014 में द बैटल ऑफ द बीच जीतने के बाद उन्हें इंडिया का पहला IFBB प्रो एथलीट का खिताब मिला। दीपिका चौधरी आज एक प्रसिद्ध जिम ट्रेनर होने के साथ साथ एक फिटनेस आइकॉन भी है, जिन्हें इंस्टाग्राम में 1 लाख से भी ज़्यादा लोग फॉलो करते हैं। करुणा वाघमारे, करुणा वाघमारे भारत की पहली IFBB वोमेंस फिजिक एथलीट है, जिन्होंने 2016 में होने वाली एमेच्योर ओलंपिया कॉम्पिटिशन में 6th पोजिशन हासिल किया था और 46th एशियन चैंपियनशिप में 3rd आई थी। करुणा हमेशा से ही अपने दम से कुछ करना चाहती थी, इसलिए करुणा ने बॉडी बिल्डिंग को अपना पेशा चुना था। करुणा आज लगभग 41 ईयर्स की है, लेकिन अपना ज़्यादातर समय जिम में ही बिताती है और वो आज एक वेल एस्टैब्लिश जिम ट्रेनर के रूप में काम करती है। इसके अलावा आज वो फिटनेस इंडस्ट्री में एक अच्छे मुकाम पे भी है। इसके साथ वो अपने नाम का एक वेबसाइट भी चलाती है, जहाँ पे वो अपने सब्सक्राइबर को ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोवाइड करने का काम करती है। श्वेता राठौर, श्वेता राठौर जयपुर राजस्थान की रहने वाली एक इंटरनेशनल फिजिक एथलीट है। श्वेता ने 2014 में होने वाली 6th WBPF वर्ल्ड चैंपियनशिप को जीता था। तब से ही देश और विदेश के काफ़ी लोग इनके दीवाने हो गए और इस कंपटीशन के बाद धीरे धीरे इन्होंने एक के बाद एक बहुत से चैंपियनशिप जीता है। श्वेता अपने फिटनेस के साथ साथ मेकअप का भी खास ख्याल रखती है। आज श्वेता राठौर ने खुद के दम से SR प्रोडक्शन एंड फिटनेस फॉरएवर नाम का खुद का एक फिटनेस रिलेटेड प्राइवेट कंपनी भी स्टार्ट किया है और आज ये श्वेता राठौर पूरे फिटनेस इंडस्ट्री में इंजीनियर श्वेता राठौर के नाम से जाने जाती है। और दोस्तों, अब बारी आता है हमारे इस वीडियो के सबसे खूबसूरत और ताकतवर महिला बॉडी बिल्डर का, जो किसी भी मूवी एक्ट्रेस से कम नहीं है, और वो है यास्मीन मानक, जिनका पूरा नाम है यास्मीन चौहान मानक। यास्मीन बचपन से ही काफ़ी मोटी थी, इसकी वजह था इनकी एक बीमारी जिसकी वजह से इनका वजन दिन दिन बढ़ता ही जा रहा था। इसके बाद अपने आप को शेप में लाने के लिए इन्होंने महज 17 साल की उम्र से ही बॉडी बिल्डिंग करना शुरू कर दी थी। यास्मीन ने 2016 में IFBB की तरफ से होने वाले मिस एशिया चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। इसके अलावा यास्मीन IBBFF के
मिस इंडिया चैंपियनशिप में डबल गोल्ड विनर भी रह चुके हैं। यास्मीन आज गुड़गांव में अपने पति के साथ रहती है और स्कल्प नाम का खुद का एक जिम चलाती है जहां वो लोगों को ट्रेनिंग देती है। यास्मीन आज लगभग 41 साल की है और वो आज एक सर्टिफाइड जिम ट्रेनर भी है। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल लिप फॉर फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे हमारे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा।